हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है। जब भी हमारा जो कैनाल है, ठीक है, वो किसको क्रॉस करता है, कोई भी नेचुरल ड्रेनेज को। नेचुरल ड्रेनेज मतलब कि कोई भी रिवर हो गया या फिर नालाज हो गया, इसको जब हमारा कैनाल क्रॉस करता है तो उस केस में दोनों में जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, तो उस केस को हमको अवॉइड करना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये जो है हमारा क्या है, नेचुरल ड्रेनेज का फ्लो है, और ये जो है हमारा क्या है, कैनाल का फ्लो है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्रॉसिंग है। यहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ड्रेनेज में जो वाटर फ्लो हो रहा है और जो हमारा कैनाल में फ्लो हो रहा है वाटर, वो एक दूसरे में क्या क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरप्ट करेगा। तो इस केस को हमको अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग में एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहलाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, हमारा जो है नेचुरल ड्रेनेज का फ्लो हो रहा है, और ये जो ऊपर से हमारा क्या जा रहा है, हमारा कैनाल जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये इन दोनों का जो फ्लो था वो इंटरप्ट हो रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके कारण जो हमने वाटर को कैनाल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको हम कहाँ से ले जा रहे हैं, ऊपर से ले जा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहलाएगा। आप एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम तो जब हमारा जो रोड रहता है वो रेल की पटरियों को क्रॉस करता है, तो उस केस में भी हम क्या क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड हम अपने रेल को ले जाते हैं या फिर हम ऊपर से ले जाते हैं, तो फिर वो भी हमारा क्या है, एक तरह से क्रॉस ड्रेनेज है। उसी तरह यहाँ पे भी हम करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा नेचुरल वाटर है और ये जो हमारा कैनाल है, तो हम हमारे जो कैनाल है उसको ड्रेनेज के ऊपर से भी ले जा सकते हैं और ड्रेनेज के नीचे से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हमारे क्रॉस ड्रेनेज होते हैं। जब हम ऊपर से ले जाते हैं तो उसको हम कुछ और बोलते हैं, जब हम नीचे से ले जाते हैं कैनाल को तो हम उसको कुछ और बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, व्हेन द नेटवर्क ऑफ मेन कैनाल्स, ब्रांच कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड, देन दिस कैनाल मे हैव टू क्रॉस द नेचुरल ड्रेनेजेस लाइक रिवर स्ट्रीम्स नालाज एक्सेट्रा एट डिफरेंट पॉइंट्स। द क्रॉसिंग ऑफ द कैनाल्स विथ सच ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, सो सुटेबल स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग पॉइंट फॉर द इजी फ्लो ऑफ वॉटर ऑफ द कैनाल एंड ड्रेनेज इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है कि दोनों में हमको इजी फ्लो प्रोवाइड करना है, जो हमारा कैनाल है उसमें भी और जो हमारा ड्रेनेज है उसमें भी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारा कैनाल है और जो हमारा रिवर है उसके क्रॉसिंग में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इसमें क्या लिखा है, इरिगेशन कैनाल्स व्हाइल कैरिंग वाटर हैव टू क्रॉस फ्यू नेचुरल ड्रेनेज स्ट्रीम्स रिवर एक्सेट्रा, टू क्रॉस दिस ड्रेनेज सेफली बाय द कैनाल सम सुटेबल स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, वर्क्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट टू क्रॉस द ड्रेनेज आर कॉल्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये तो हमने पहले भी देखा है कि जो हमारा जब दोनों मीट करेंगे तो क्रॉसिंग में हमको एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो दोनों अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में सेफली फ्लो हो सके। तो वो स्ट्रक्चर जो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहलाएगा, और उस वर्क को हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलेंगे। एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कैनाल एंड ड्रेनेज बेड लेवल मे नॉट बी सेम, डिपेंडिंग ऑन देयर बेड लेवल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड अकॉर्डिंगली दे नोन बाई डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो जो जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क जब हम बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा बेड लेवल है, कैनाल और ड्रेनेज का जो बेड लेवल है वो सेम रहे। कभी हो सकता है कि कैनाल का बेड लेवल ज्यादा हो, कभी हो सकता है कि ड्रेनेज का बेड लेवल ज्यादा हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या नाम दिया गया है, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। इसी में हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क रहते हैं और डिफरेंट बेड लेवल के अकॉर्डिंग हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 में देखेंगे कि जो हमारा इरिगेशन कैनाल है,
जब हमारे ड्रेनेज को क्रॉस करता है तो फिर क्या सिचुएशन अराइज होते हैं। इसमें हम दो टाइप को डिस्कस करेंगे, एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट। टाइप टू में हम देखेंगे कि जब हमारा जो ड्रेनेज है वो इरिगेशन कैनाल को पास करता है तब क्या सिचुएशन अराइज होता है। ये दो टाइप का होता है, सुपर पैसेज साइफन सुपर पैसेज। और टाइप थ्री में हम देखेंगे कि ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्शन इज अदर ऑफ द सेम लेवल। जब हमारा जो ड्रेनेज और कैनाल है दोनों का जो लेवल है इंटरसेक्शन के दौरान सेम रहता है तो फिर क्या होता है। इसमें भी दो केस अराइज होते हैं, लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट। इसको वन बाय वन हम डीपली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक्वीडक्ट क्या होता है। एक्वीडक्ट में क्या होगा, हमारा जो कैनाल है वो पास करेगा किसको, हमारा ड्रेनेज स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा क्या है कैनाल का डायरेक्शन है फ्लो होने का, और ये हमारा क्या है ड्रेनेज के फ्लो होने का डायरेक्शन है। तो इसमें जो हमारा कैनाल है वो किससे पास होके जा रहा है, ड्रेनेज से पास हो रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैनाल पास ओवर ड्रेनेज। जो हमारा कैनाल है वो ड्रेनेज के ऊपर से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो इसी का जो क्रॉस सेक्शन व्यू है वो हमने यहाँ पे शो किया है। जब हम इसको यहां से कट करते हैं, ठीक है, तो हमको किस टाइप का व्यू शो करेगा, आप देखिए यहां से इस टाइप से कट करेंगे, और अगर हम इसको इधर से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, ये जो है ये जो दो पियर दिखेंगे, यहाँ पे एक पियर रहेगा और इधर भी एक पियर रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये पियर्स है, और ये जो है हमारा क्या है, रेलिंग है, रेलिंग है। तो ये जो हमारा रेलिंग दिख रहा है कैनाल का, और यहाँ से हमारा जो कैनाल है वो दिख रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये हमारा क्या है, ड्रेनेज है। तो ये जो हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये ड्रेनेज है जो कि पास कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये साइड साइड में हमारे क्या है, इंस्पेक्शन रोड है। इंस्पेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक रोड प्रोवाइड कर देते हैं कैनाल के साइड साइड में, जिसमें कि हैवी लोड नहीं आता है, कुछ ही लोड इसमें आता है, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंस्पेक्शन वर्क के लिए। तो ये जो हमारा क्या है, इंस्पेक्शन रोड है हमारे कैनाल के साइड में, और ये हमारा क्या शो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन व्यू शो कर रहा है एक्वीडक्ट का। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो बेड लेवल है किसका, जो हमारा हाई फ्लड लेवल ऑफ जो हमारा ड्रेनेज है। ठीक है, हमारा ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, हाई फ्लड लेवल है हमारे ड्रेनेज का। और जो हमारा कैनाल का जो बेड लेवल है वो क्या है, ये है हमारे कैनाल का बेड लेवल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो हमारे ड्रेनेज के हाई फ्लड लेवल से ऊपर रहता है। ठीक है, तो जो एक्वीडक्ट टाइप होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेड लेवल ऑफ कैनाल जो रहता है वो क्या रहता है, ऊपर रहता है, किससे, हाई फ्लड लेवल ऑफ स्ट्रीम से या फिर नेचुरल ड्रेनेज से। और यहाँ पे हम कैनाल के साइड में इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करते हैं जो कि इंस्पेक्शन के काम में हमारा आता है। ये हमारा किसका बना होता है, आरसीसी का बना होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, पियर्स हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा एक्वीडक्ट टाइप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो हम देखते हैं, साइफन एक्वीडक्ट। इसमें क्या होता है हमारा साइफन एक्वीडक्ट में, कि जो हमारा कैनाल का जो बेड लेवल होता है, ये हमारा क्या है, कैनाल का बेड लेवल है, वो किससे नीचे होता है। ये जो हमारा जो स्ट्रीम है इसका जो हाई फ्लड लेवल है ये है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रीम का जो हाई फ्लड लेवल होता है वो हमारे कैनाल के बेड लेवल से ऊपर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, साइफन एक्वीडक्ट होता है। इसमें साइफनिक एक्शन होता है जिसके कारण जो हमारा कैनाल का जो बेड लेवल है उससे ऊपर चल जाता है जो वाटर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, साइफनिक एक्वीडक्ट कहलाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है हम कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमारा जो बेड लेवल ऑफ कैनाल जो रहेगा वो नीचे रहेगा किससे, हाई फ्लड लेवल ऑफ जो हमारा स्ट्रीम है उससे कम रहता है, तब हम साइफनिक एक्वीडक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज है, और ये जो है हमारा क्या है, बेड लेवल ऑफ कैनाल है। तो आप सिंपली ये ध्यान रखिए कि साइफन एक्वीडक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो नीचे होता है किससे, हाई फ्लड लेवल ऑफ जो हमारा ड्रेनेज स्ट्रीम है उससे। लेकिन जो हमारा एक्वीडक्ट होता है उसमें क्या होता है कि कैनाल का बेड लेवल जो होता है वो ऊपर होता है किससे, जो हमारा हाई फ्लड लेवल ऑफ जो ड्रेनेज है उससे। ठीक
ठीक है, इसमें भी हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन वर्क के लिए, जिसमें कि ज्यादा हम लोड नहीं देते हैं। इसमें जो वाटर का जो फ्लो होता है किस तरह से होता है, साइफनिक एक्शन से होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सुपर पैसेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रेनेज होता है वो किससे किसके ऊपर से जाता है, कैनाल के ऊपर से पास होता है। पिछले वाले केस में हमारा जो कैनाल था वो हमारे ड्रेनेज के ऊपर से जा रहा था। सुपर पैसेज में क्या होता है कि जब हमारा जो कैनाल है वो जो हमारा ड्रेनेज है वो कैनाल के ऊपर से पास होता है। ये हमारा किस में आ जाता है, टाइप टू में आ जाता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हम कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमारा जो बेड लेवल ऑफ जो ड्रेनेज रहता है वो क्या रहता है, अबव रहता है, किससे, फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल के ऊपर रहता है, तब हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सुपर पैसेज टाइप का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिगर से इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा क्या है, ड्रेनेज है, ठीक है, ड्रेनेज वाटर जो है फ्लो हो रहा है और इसके नीचे से हमारा क्या जाएगा, कैनाल जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो ड्रेनेज है वो किसके ओवर से पास हो रहा है, कैनाल के ओवर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही हमने शो किया है, ये जो हमारा यहाँ से कैनाल जा रहा है और इसको क्या क्या कौन क्रॉस कर रहा है, जो हमारा स्ट्रीम वाटर है वो क्रॉस कर रहा है। इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, हाई फ्लड लेवल ऑफ द कैनाल। ये जो हमारा क्या है, हाई फ्लड लेवल ऑफ कैनाल है और ये क्या है, हमारा बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम है। यहाँ पे इसको आप और क्लियरली देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम है और ये जो है हमारा क्या है, फुल सप्लाई लेवल या फिर हाई फ्लड लेवल ऑफ कैनाल। तो हम सुपर पैसेज कब प्रोवाइड करते हैं कि जब हमारा जब बेड लेवल ऑफ जो हमारा ड्रेनेज स्ट्रीम रहता है वो ज्यादा होता है किससे, हाई फ्लड लेवल ऑफ कैनाल से, तब हम इस टाइप का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा कैनाल का जो वाटर रहता है वो इजिली फ्लो कर जाता है किसे, ड्रेनेज के नीचे से। और जो हमारा टाइप टू है उसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, साइफन सुपर पैसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा ड्रेनेज का जो बेड लेवल रहता है वो नीचे रहता है फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल से। तो हम इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर, पिछले जो टाइप था उसमें क्या कर रहा था कि जो हमारा कैनाल का जो वाटर रहता था वो इजिली ड्रेनेज के नीचे से पास हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैनाल वाटर रहता है वो कैसे पास करता है, साइफनिक एक्शन से पास करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कैनाल का जो वाटर लेवल रहता है या फिर फुल सप्लाई लेवल रहता है या फिर क्या बोल सकते हैं, हाई फ्लड लेवल रहता है, वो राइज कर जाता है ड्रेनेज के बेड लेवल से, तब हम इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेनेज इज टेकन ओवर द इरिगेशन कैनाल बट द कैनाल वाटर पासिस बिलो द ड्रेनेज अंडर साइफनिक एक्शन इज नोन एज साइफन सुपर पैसेज। तो वही वाला टाइप है कि जब हमारा जो ड्रेनेज है वो कैनाल वाटर से पास करता है, तो इसमें क्या कर होता है कि जो हमारा कैनाल वाटर है वो कैसे, उसमें जो कैनाल वाटर है वो किस तरह से पास होता है, अंडर साइफनिक एक्शन से पास होता है। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल ऑफ जो कैनाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल सप्लाई लेवल ऑफ जो कैनाल है वो ज्यादा है, ठीक है, और ये जो है हमारा बेड लेवल ऑफ जो है क्या, ड्रेनेज का बेड लेवल है वो बिलो है। तो जब हमारा जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल जो रहता है वो ज्यादा होता है बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम से, तो इस केस में हम साइफन सुपर पैसेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कैसे, एक्शन से जो वाटर फ्लो हो रहा है, साइफनिक एक्शन से वाटर फ्लो हो रहा है। जब भी साइफनिक एक्शन होगा तो हमारा जो फुल सप्लाई लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाता है। और जो हमारा थर्ड टाइप का होता है वो क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेड लेवल ऑफ जो कैनाल रहता है और जो हमारा स्ट्रीम का जो बेड लेवल होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। अब अगर सेम है बेड लेवल तो क्या होगा कि दोनों के वाटर का मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम अलाउ करते हैं वाटर के मिक्सिंग को, और हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैनाल है और जो हमारा स्ट्रीम है दोनों में वाटर को रिक्वायर क्वांटिटी में डिस्पोज करते हैं। तो जो लेवल क्रॉसिंग रहता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक क्रेस्ट वॉल, स्ट्रीम रेगुलेटर, कैनाल रेगुलेटर। यहाँ पे आप फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, रिवर फ्लो हो रहा है और ये जो है हमारा क्या है, कैनाल है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीच में लेवल क्रॉसिंग इंट्रोड्यूस किए हैं। ये जो हमारे क्या है, लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, क्रेस्ट वॉल, कैनाल रेगुलेटर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा कैनाल फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में
और जो हमारा रिवर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और हमने बीच में क्या प्रोवाइड किया है, लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वाटर को अलाउ करते हैं मिक्स करने के लिए। यहाँ पे ये जो है हमारा कैनाल का डायरेक्शन है और ये जो हमारा क्या है रिवर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम बीच में क्या अलाउ करते हैं कि वाटर को मिक्स करने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि जो दोनों का जो बेड लेवल है वो सेम ही है। तो और यहाँ पे हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके क्या क्या इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड है, कैनाल रेगुलेटर, क्रेस्ट वॉल, ये सब सारे कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एक रिक्वायर क्वांटिटी में जो वाटर है डिस्पोज करते हैं हमारे कैनाल और रिवर में। तो ये जो वर्क होता है हमारा क्या कहलाता है, लेवल क्रॉसिंग कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमारा जब बेड लेवल ऑफ कैनाल रहेगा और बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम सेम ही रहेगा, तब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा टाइप थ्री में जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, इनलेट एंड आउटलेट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा टाइप थ्री है, तो इसमें भी जो हमारा बेड लेवल ऑफ कैनाल होगा और जो हमारा ड्रेनेज होगा, दोनों का बेड लेवल सेम होगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, व्हेन द इरिगेशन कैनाल मीट्स अ स्मॉल स्ट्रीम और ड्रेन एट द सेम लेवल, ड्रेन इज अलाउड टू एंटर द कैनाल एज इन इनलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो स्ट्रीम है, ये हमारा क्या है स्ट्रीम है और ये हमारा कैनाल है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कैनाल है उसको अलाउ करते हैं स्ट्रीम से मिलने के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनलेट कहलाएगा। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनलेट पॉइंट अ पार्ट ऑफ वाटर इज अलाउड टू ड्रेन एज आउटलेट विच इवेंचुअली मीट द ओरिजिनल स्ट्रीम। यहाँ पे ये बोलता है कि इनलेट से कुछ डिस्टेंस बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैनाल की कुछ पार्ट ऑफ वाटर है उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किससे मीट करने के लिए, हमारे स्ट्रीम में फिर से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आउटलेट कहलाता है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनलेट पॉइंट अ पार्ट ऑफ वाटर इज अलाउड टू ड्रेन एज आउटलेट विच इवेंचुअली मीट्स द ओरिजिनल स्ट्रीम, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने क्या किया है कि आउटलेट में जो हमारा पार्ट ऑफ वाटर है जो कि कैनाल से फ्लो हो रहा था, उसको हमने ओरिजिनल स्ट्रीम में मिलने के लिए अलाउ किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा आउटलेट होगा और ये जो हमारा इनलेट होगा। उसके बाद क्या बोलता है, द बेड एंड बैंक्स बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई स्टोन पीचिंग। और जो हमारा इनलेट और आउटलेट होता है, इनके बीच में भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टोन की पिचिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टोन पिचिंग क्या होता है कि सिंपली हमारा जो स्टोन होता है उसका हम कुछ थिकनेस तक हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टोन प्रोवाइड करते हैं, स्टोन के लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क खत्म होता है। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।